आई गॉट मैरिड रिसेंटली, थैंक यू इतना ठीक है एंड इट वॉज अ लव मैरिज. ठीक है, सी आई एम इन टू स्टैंड अप कॉमेडी फुल टाइम. ठीक है, एंड माई वाइफ इज अ जनरल मैनेजर एट अ वेरी बिग कंपनी. ठीक है, वेन एवर आई टॉक अबाउट माई वाइफ पीपल आस्क मी अनमोल हाउ डिड यू नो शी इज द वन, लाइक हाउ डिड यू फाइंड आउट शी इज द वन, आई एम लाइक शी इज द ओनली वन हू सेड यस. हाँ, बाकी सबने ना बोल दिया था यार. और मेरी बीवी ने हाँ बोला क्योंकि सुबह सुबह तो वो ऑफिस चली जाती है, घर का सारा झाड़ू पोछा मेरे से करवाती है. आई थिंक ड्यूरिंग माई वेडिंग ना आई मिसअंडरस्टूड व्हेन माई वाइफ टोल्ड मी यू आर मेड फॉर मी. अभी बोल रही है आई वॉन्ट टू बी विद यू इवन आफ्टर डेथ, यू आर मेड इन हेवन. नहीं चाहिए. But I love my current wife, guys. Nahi, aisa nahi. See, according to me, the biggest criteria in marriage is loyalty. Correct? And I got to know that my wife will be the most loyal person in this world. You know, even if I'm toxic, she'll never leave me. And I got to know this within the first 2 minutes of meeting her. Ask me how. No. Sab log. She told me she's been working for Baiju's for 9 years. जो लड़की बायजूस नहीं छोड़ रही मेरे को क्या छोड़ेगी. यू नो राइट, बायजूस इज वेरी टॉक्सिक वर्क कल्चर. बहुत टॉक्सिक है यार, पीपल लीव बायजूस टू जॉइन लेस टॉक्सिक ऑर्गेनाइजेशंस लाइक तालिबान, क्योंकि वहां बस एक बार मरना है. बायजूस पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर मैन टू सेल देयर कोर्सेज. नाउ दे आर टेलिंग माय वाइफ टू बिकम प्रेग्नेंट. एक और कस्टमर. मतलब बाकी कंपनीज के मैनेजर्स बोलते अच्छा करो, बायजूस वाले बोल रहे बच्चा करो. एंड माय वाइफ हैज टेकन इट सीरियसली. यार मैं ऐसा कॉमेडी शो कर रहा हूं, बीच में मेरे को मैसेज आता है वाइफ का, आई वांट अ बेबी एसैप. लकीली शी डिडंट से ईओडी. एंड आई लव किड्स मैन, आई लव किड्स. आई थिंक किड्स आर द मोस्ट इनोसेंट क्यूटेस्ट सोल्स ऑन दिस प्लेनेट. यस और नो? Yeah. Yeah. फिर मैंने डायपर का दाम देखा. That shit is expensive, bro. Diapers are so expensive. एक बार मेरी बहन का बच्चा मेरे फोन पे बैठ गया, उसके डायपर ने मेरे पेटीएम से पैसा खींच लिया. And see, as a stand-up comedian, मेरे पास पैसा था शादी करने का, बच्चे करने का नहीं. Like, how do I explain this? It's like I have the money to buy movie tickets at PVR, but not the money to buy their popcorn. समझ रहे हो ना? But my wife is telling, no, my biological clock is ticking. Hello, my financial clock is not working. And I don't want to give my hard-earned money to schools. I think schools are a big scam here. Right? मेरे घर के बाजू में एक स्कूल है, वहां की फीस है 55,000. For the school bus. सुन ले. और जिस तरह मेरा करियर चल रहा है, मैं अपने बच्चों को स्कूल तक भेज सकता हूं, अंदर नहीं. मतलब 9 घंटा मेरा बच्चा ड्राइवर और कंडक्टर के साथ ही है. स्कूल के बाद मैं पूछ रहा हूं, बेटा आज क्या सीखा? वो बोल रहा है 3 पत्ती. मेरे सोफे पे 5 ठूक रहा है. मैं सोफा पीछे खिसका रहा हूं, वो बोल रहा है आन दे. और ये साला स्कूल का चेयरमैन कुछ नहीं करता, रिबन काटता रहता है बस. लाइब्रेरी में रिबन काट रहा है, ऑडिटोरियम में रिबन, हॉस्पिटल में उसका बच्चा हुआ वहां रिबन काटने लगा. डॉक्टर चिल्ला रहे, अबे वो रिबन नहीं अम्बिलिकल कॉर्ड है, और वो तेरा बच्चा है भी नहीं. वो वहां जाके अपने बच्चे का काटने लगा. डॉक्टर फिर चिल्लाए, अबे वो लड़के का अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं. तो पैसा ऑलरेडी कम है यार, ऊपर से इन 2010 आई वाज रॉब्ड ऑफ 4 lakhs. दिस इज अ ट्रू स्टोरी गाइस, दिस हैपेंड इन बैंगलोर. पुलिस डिडंट इवन फाइल एन FIR बिकॉज दे कुडंट अरेस्ट माय इंजीनियरिंग कॉलेज. पैसा उन्होंने चुराया है. कॉलेज इज अनदर बिग स्कैम यार. मेरे कॉलेज ने बोला था वी हैव फ्री वाईफाई ऑल ओवर द कैंपस, फिर फर्स्ट डे बोला बट फोन्स आर नॉट अलाउड. तो हाथ से पकड़ू तेरा वाईफाई. और
कॉलेज ना असली पैसा कमाता है नॉट फ्रॉम फीस, फ्रॉम फाइन्स. राइट? तुम लोगों को क्या लगता है कॉलेज प्रिंसिपल के बाथरूम में जो इटालियन मार्बल है वो पैसा कहां से आया? फाइन्स. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड फाइन मार्बल. वो तुम्हारे पैसों पे मूत रहा है. डोंट विजुअलाइज दिस. एंड द बिगेस्ट स्कैम इज अटेंडेंस शॉर्टेज फाइन. राइट? तुम लोगों ने दिया अटेंडेंस शॉर्टेज फाइन? बहुत बड़ा स्कैम है यार. आप लोग ही सोचो, आप कॉलेज जाने का पैसा दे रहे हो और कॉलेज नहीं जाने का भी पैसा दे रहे हो. राइट? हाउ कैन यू सब्स्टिट्यूट एब्सेंस विद मनी? इट्स लाइक दादाजी की बरसी में नहीं गई तो पापा को 1,000 रुपए जीपे कर दिया. अनदर बिग स्कैम इज प्लेसमेंट्स. राइट? मेरा कॉलेज बोला गूगल केम टू आवर कैंपस लास्ट ईयर. ये बताने स्टॉप यूजिंग इंटरनेट एक्सप्लोरर. नहीं, लेकिन आया था गूगल. एक्चुअली केम टू आवर कैंपस. ये पूछने IIT कहां पढ़ता है. मैं बोल दिया आगे से फर्स्ट राइट ले लो. और पता है ग्रेजुएशन के टाइम हम लोग वो कैप फेंकते हैं. तुम लोगों ने किया है? राइट? कैप फेंकते हैं. पता है वो क्यों फेंकते हैं? कॉलेज बोल रहा है 4 साल तक तुझे टोपी पहनाई, अब फेंक दे. अब कॉर्पोरेट वाले बनाएंगे CTC और इनाइन की टोपी. राइट? 4 साल बाद आप एक और टोपी पहनोगे कॉल दूल्हे का सहरा. उसके बाद आपका बच्चा आपको एक और टोपी पहनाएगा, डायपर. नेक्स्ट टोपी इज कॉल्ड पापा कॉलेज की फीस भर दो. इन टोपियों के वजन से ही बुढ़ापे में आदमी का शरीर झुक जाता है. वेलकम टू माई TEDx टॉक. ये नहीं चला उधर डाल दूंगा मैं. सी द होल थिंग इज, बच्चा करना है तो आई थिंक माई स्टैंड अप कॉमेडी करियर हैज टू टेक ऑफ. दैट्स द ओनली वे आई कैन डू इट. राइट? तो तुम लोग यू क्या बोलते हैं, लाइक शेयर और क्या करो, सब्सक्राइब ये सब करो यार तुम लोग. राइट? नॉर्मली कॉमेडियंस रिक्वेस्ट करते, आई एम डिमांडिंग. ये कॉमेडी वीडियो नहीं, क्राउड फंडिंग वीडियो है. ठीक है? मेरे को डायपर खरीदना है. या एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. ठीक है? क्योंकि मेरी बीवी ने ना 16 सोमवार व्रत रखे थे. यू गाइस नो व्हाट दैट इज? Yeah, it's when a woman will fast for 16 consecutive Mondays so that she gets a good husband. इसमें क्यों तू हंसा? गलत जगह पे हंस देता है यार. Yeah, so my wife did it, man. She fasted for 16 consecutive Mondays. Now the problem is she's telling me if you don't give me a baby ASAP, I will restart my fast. पेरेंट्स भी प्रेशर डाल रहे हैं यार बच्चे के लिए. राइट? एंड इंडियन पेरेंट्स नो, दे नेवर टेल यू थिंग्स डायरेक्टली, दे ऑलवेज ड्रॉप हिंट्स. राइट? एक बार माय वाइफ एंड आई वर रिटर्निंग होम आफ्टर डिनर. माय मॉम हैड लेफ्ट टॉयज इन आवर रूम. व्हेन माय डैड वांटेड मी टू गेट मैरिड, ही यूज्ड टू लीव टिश्यू पेपर्स इन माय रूम. रोने के लिए, रोने के लिए. प्रॉब्लम इज दैट, चलो अगर बच्चे की एजुकेशन में एटलीस्ट नेक्स्ट 20 ईयर्स एटलीस्ट 70 लाख लगेगा उसके एजुकेशन में मिनिमम. राइट? इन्फ्लेशन सब जोड़ के एटलीस्ट 70 लाख लगेगा. चलो मानो मैंने वो खर्च कर भी दिया, अगर उसके बाद मेरी औलाद मेरे को आके बोलेगा पापा मुझे फूड व्लॉगर बनना है, ब्रो मेरा तो कट जाएगा ना. मैंने 70 लाख खर्च किया, इसको इंटरनेशनल स्कूल भेजा टू स्टडी द जियोपॉलिटिकल सोशियो इकोनॉमिक मैक्रो मार्कर्स, और ये साला बोल रहा है आज हम मैगी में डालेंगे कोका कोला, गोलगप्पे में चमनप्राश, मिल्कशेक में कोलगेट. मेरा तो कट जाएगा यार. नाउ आई नो हाउ माई डैड फील्स. मैं भी तो यही कर रहा हूं. So I went to my dad, you know, and I apologized that time only. I said, I'm very sorry. Tell me what I can do to patch things between us. He said, first you give my 70 lakhs back. With GST. मेरे पास तो उतना पैसा था ही नहीं. तो मैंने डैड को बोला उतना पैसा तो नहीं है मेरे पास. मेरे पास तो बस 70,000 है. You know what my dad said? आंदे आंदे आंदे. All right guys, that's it my dad. Thank you so much. गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ये YouTube चैनल सब्सक्राइब करो. कर दे यार, वो डायपर खरीदना है. ठीक है? और मैंने एक और स्टैंड अप वीडियो बनाया ऑन ऑफिस पार्टीज, डू वॉच इट. ये मेरा फेवरेट वीडियो है. चलो मैं चलता हूँ, आई नीड टू बी होम ASAP.